नहीं मतलब माना है कि हम लोग यार बहुत ही बड़े दीवाने हैं और रश्मिका को देख करके यार पूरा इंडिया का दिल धक धक करता है, समझ में आ रहा है। लेकिन यार ये दिखाओगे तुम, ये दिखाओगे क्या यार, क्या दिखा डाला। एक मिनट, अपनी भूख को थोड़ा रोको, अपनी हवस को थोड़ा रोको यार, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसको दिल और दिमाग दोनों में लो। भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ। एग्जैक्टली रिएक्शन दूं क्या भाई, क्या फाड़ लग रही है भाई, देख के ही मजा आ गया भाई, दिल एकदम धक 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 कर रहा है भाई, एकदम फाड़ ब्लॉकबस्टर, एकदम जबरदस्त भाई, आग लगा डाला। क्या लुक है यार, क्या लुक है, इट्स लाइक किलिंग मैन, एकदम कतल कर डाला, कतल या फिर क्या है ये, मतलब क्या दिखा क्या रहे हम लोगों को, क्या दिखा रहे हो भाई, एकदम मतलब कुछ भी नहीं, मतलब जिसपे हमारा इतना बड़ा क्रश है उसको इस अवतार में। नहीं मतलब माना है कि हम लोग यार बहुत ही बड़े दीवाने हैं और रश्मिका को देख करके यार पूरा इंडिया का दिल धक धक करता है, समझ में आ रहा है। लेकिन यार ये दिखाओगे तुम, ये दिखाओगे क्या यार, क्या दिखा डाला। बहुत कंफ्यूजन वाला मामला है ना। हाँ चलो रियलिटी पे आते हैं कि एग्जैक्टली ये पोस्टर जो है क्या दर्शाता है और इसमें रश्मिका का फर्स्ट लुक पुष्पा में क्या दिखने वाला है। पोस्टर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले आपको दिखने को मिलने वाला है कि ये पुष्पा की श्रीवल्ली है। श्रीवल्ली नहीं आता गाना, गाने की वाट नहीं लगाऊंगा, बस वो फील आया कि भाई दिल से फिल्म में जब प्रीति जिंटा का शाहरुख खान के साथ में सगाई हो रहा होता है तो भाई बैकग्राउंड में जो है कुछ इमेजिनेशन चल रही होती है, तो उसमें ही गाना आता है श्रीवल्ली, आगे का नहीं पता। तो भाई एज अ श्रीवल्ली वो देखी जाने वाली है पुष्पा में। अब अगर आप एज एन ऑडियंस देखोगे तो भाई सिर्फ और सिर्फ आप श्रीवल्ली यानी रश्मिका को देखोगे, लेकिन अगर इस फिल्म का इंतजार जो लोग बेसब्री से कर रहे हैं उनकी दृष्टिकोण से अगर देखें, उनके हिसाब से और मेरे नजरिए से अगर देखा जाए तो सबसे पहला नजर जो जाता है ना वो बैकग्राउंड पे जाता है। बैकग्राउंड के एक हिस्से में आप देख सकते हो कि भाई किचन एरिया है और उसी किचन एरिया में जो है एक चटाई बिछी हुई है, साइड में एक मिरर है और वो सज रही है। अब इसमें से आपको क्या समझ में आता है, जो मूवी का मेन रॉ थीम है ना, जिसके अंदर में असली जो फीलिंग आनी चाहिए, जैसा स्टोरी का थीम है ना, बिल्कुल वैसे ही सारी चीजें इसमें देखी जा रही है। रश्मिका की अगर लुक की बात की जाए तो उनको जिस अवतार में दिखाया जा रहा है वो पूरी तरह से एक्सेप्टेबल है, क्योंकि उनको अगर आप गौर से देखोगे तो एक डस्की फेस के साथ में खुद को सजते सवरते हुए दिखाया जा रहा है, और शायद यही होने वाला है इंट्रोडक्टरी सीन इन दिस मूवी। आपको अगर याद होगा, याद क्या होगा यार, सभी यार पिछले 5 महीने से देख रहे हैं कि एज अ पुष्पा अल्लू अर्जुन जैसे दिख रहे हैं वो बहुत ही रफ एंड टफ और बहुत ही अलग तरह के लुक के साथ में है, जिसको देख करके मेरे दिल में एक ही चीज आया था कि अल्लू अर्जुन का ये सबसे डिफरेंट कैरेक्टर होने जा रहा है। और वैसे यहाँ पे रश्मिका का भी जो रोल है वो बहुत ही डिफरेंट है, जिसकी वजह से इनका लुक ऐसा होना एकदम वाजिब सा है। अब जो स्टार्टिंग में आपने देखा था भाई, जिनको वैसा रिएक्शन चाहिए वो अपने हिसाब से वो रख ले, और जो लोग इसको ट्रोल और रोस्ट करने के चक्कर में वो सेकंड वाला रिएक्शन रख ले भाई, लेकिन इस पोस्टर और फर्स्ट लुक का जो रियलिटी है वो मैंने अब तक आपको बताया है। व्हाट्स योर टेक, प्लीज डू कमेंट। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल का बटन दबा लो। आप भी बता दो कि रश्मिका एंड अल्लू अर्जुन के कितने बड़े फैन हो, कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।